सासू माँ हमें माफ कर दीजिए, आने में थोड़ी देरी हो गई। तुम्हें काय अकेले देरी हो गई? बड़को छोटको ये सब तो आ गई, तुमको बुलाने के लिए कन्यौता देना पड़ेगा कि आइए महारानी जी। सासू माँ, वैसे भी ये बिस्तर पे हम तीनों तो नहीं अंटेंगे ना, तो हम प्रिंस से बोल के यहाँ का सामान कुछ कम करवा देते हैं और यहाँ सोने की जगह बनवा देते हैं, ताकि लेट लतीफ बहू जी को यहाँ सोने के लिए जगह मिल जाए। लेट लतीफ लोग वैसे भी ट्रेन और बस में दिक्कत ही पाते, तो हमारी लेट लतीफ छोटकी बहू यही जमीन में बिस्तर डाल के सो जाएंगी। छोटकी बहू, तुम्हारे घर में बताया नहीं गया कि शरद पूर्णिमा के दिन क्या होता है? तुम्हारे घर में देवता पितर को कोई मानता नहीं है क्या? कछुए नास्तिक लोग हैं। और तुम दोनों तो सालों से देखती आ रही हो ना कि घर में क्या हो रहा है, इतना रट्टा मारने के बाद ही हाल है, तुम दोनों कैसे भूल गए? माफ कीजिए सासू माँ, पता नहीं कैसे दिमाग से निकल गया, गलती हो गई, माफ कर दीजिए इस बार। उका है ना, ये घर में इतना पलंजर बवाल मच गया है कि हम उसकी फिक्री में ही भूल गए। ये इतना चिकना हो जाएगा कि भगवान जी भी इसे उठा के ले जाए ना तो फिसलने से नहीं बचेगा। यहाँ से सामान हटाओ और छोटकी बहू का बिस्तर यहीं जमीन पर लगाओ, और तुम तीनों जाकर नहाकर कपड़े बदल लो और हमें आकर नीचे आंगन में मिलो। और छोटकी बहू तुम, अरे जाओ ना, मुंह में क्या खड़ी हो, हम मटकी में खीर बनाकर रसोई घर में रखा है, तुम जाकर उसे ले आना, काहे कि तुम्हें ही उसको आंगन में टांगना है। Thank you.
आज के दिन अलक्ष्मी जी और लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। उन्हीं के सत्कार में शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। मिर्च वाला भोजन अलक्ष्मी जी को पसंद था, इसलिए उसे घर के बाहर रखा जाता है। हमने अलक्ष्मी जी का भोजन बनाकर घर के बाहर रख दिया है। और लक्ष्मी जी को मीठा पसंद था, ताकि वो घर के अंदर आए और वो भोजन घर के अंदर रखा जाता है। ये मटकी आंगन में भगवान जी के सामने टांगी जाती है और ऐसी मान्यता है कि रात भर इसमें चांद का अमृत गिरेगा और लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त हो। अरे संभाल के छुटकी बहू, इस घर में इस मटकी और त्योहार की बड़ी मान्यता है। गई भैंस पानी में, बच गई ना सिया रानी के लिए खतरे की घंटी। विजय माँ जी, सासू माँ, और हमसे काहे माफी मांग रही है? तुमसे तो सारा घर माफी मांग रहा है। कहां से बहू बना कर लिया है? कंगन के लिए सबके सामने बेइज्जती की थी ना, इतनी आसानी से भूलने वाले नहीं हम। अगर जानबूझकर ये नहीं किया, हमारे हाथ से ये फिसल गई। अरे मटकी तो तुम जानबूझ के तोड़ी हो छोटकी बहू, तुम्हारा परपंच हम देख रहे हैं, लेकिन हमारे सामने नहीं चलेगा। जिस दिन से इस घर में आई हो, कोई एक दिन भी चैन से बैठ नहीं पाया, अब बैठेगा भी कैसे? तुम्हारा ये तिरिया चरित्र किसी को बैठने दे तब ना? अरे तुम तो चाहती हो कि कोई बखेड़ा हो, हम तुम पर बिफरे। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी छोटकी। आते ही हमारे बेटे को परगला दिया। अरे 9 महीना हम उसको अपना पेट में रखे, वो आज हमसे सवाल जवाब कर रहा है। तुम्हें तो बड़ी खुशी हो रही होगी, बड़ा मजा आ रहा होगा ना कि हमारा समर तुम्हारे लिए हमसे सवाल जवाब कर रहा है, हमसे जिरह कर रहा है। तो बुला देते हैं समर को। समर कहाँ हो? आ जाओ। तुम तो बड़े न्यायप्रिय हो, तुम्हारी पत्नी के साथ अन्याय हो रहा है, यहाँ चले आओ, हमसे जिरह करो, बहस करो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं गलत साबित करूंगा।